हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस ट्यूटोरियल में फाइव कॉमन मिस्टेक्स, इसके बारे में बात करने वाले हैं। फोटोशॉप में फाइव कॉमन मिस्टेक जो आप करते हैं, आप सभी बिगनर्स अगर हैं तो आप सभी से ये गलतियां होती होंगी। जब मैं था शायद मुझसे में ये यही गलतियाँ होती थी, तो आज आपसे इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली गलती ये है कि आप जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं फोटोशॉप में, तो लेयर लेते हैं, शेप लेयर लेते हैं, जितने भी तरह का लेयर लेते हैं, ग्रुप बनाते हैं, लेकिन कभी उसके नेम को आप डिस्क्राइब नहीं करते, उसके नाम को लिखते नहीं हैं। उस कंडीशन में आपको दिक्कत होती है, यानी कि नेमिंग एंड ग्रुपिंग लेयर्स। जब आप लेयर लें और ग्रुप बनाए लेयर को, तो उसके नेम को ज़रूर डिस्क्राइब कर दें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ऊपर में लिखा हुआ कलर करेक्शन, एक ग्रुप बनाया, इस ग्रुप के अंदर इतने लेयर्स हैं, इसको हमने एक अच्छा इसके अंदर भी हमने लिख दिया कलर करेक्शन है, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ग्रेडियंट है, और इन सभी को ग्रुप के अंदर डाल दिया। यानी कि एक लेयर पे जितने भी या एक ग्रुप के अंदर जितने भी लेयर्स हैं, उन लेयर्स के नेम तो लिखेंगे, जब मैं ग्रुप उसको बना लूँगा, ग्रुप बनाने के बाद भी उस ग्रुप का एक नाम लिख देंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेने के लिए मैं चलता हूँ एक डिज़ाइन पर। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेबसाइट की डिज़ाइनिंग है जो मैं अभी कर रहा हूँ, 10 डील्स की है। और इसमें अगर आप बात करते हैं तो ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर लोगो है, ठीक है, लोगो में हमने लिखा होगा कंटेंट, 10 लिखा होगा, डील्स लिखा होगा, TM लिखा होगा, दो शेप रेड कलर का और ब्लैक कलर का बनाया होगा। उसके बाद बात आती है, यहाँ पर नेविगेशन हमने लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद ये कंटेंट है, नीचे में यहाँ पर सर्च बार है, सर्च है, ये शेप बना है, इसके ऊपर कंटेंट लिखा गया है, ये भी एक शेप है, इसके ऊपर दो दो कंटेंट यूज़ किए गए हैं, उसके बाद ये आइकन यूज़ किया गया है यहाँ पर। अब इसके बाद अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो बात समझ में आएगी। फ्रेंड्स, अगर ये शेप आपने बनाया और ये कंटेंट भी लिखा और ये आइकन भी लगा दिया, और उसके बाद अगर आपने सभी लेयर के नेम नहीं लिखे, जैसे ये जितने भी लेयर्स हैं, बिना नेम अगर लिखे लेयर्स रहेंगे तो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये लोगो है, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लोगो है, इसीलिए आपको समझ में आ रहा है। मैं जूम करके यहाँ पे बता रहा हूँ तो शायद बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये आप देख रहे हैं लोगो लिखा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे 10 डेल्स लिखा हुआ, यहाँ पे TM लिखा हुआ है, कुछ लेयर्स के नेम नहीं लिखे हुए हैं। वो मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरीके से किया है। तो अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो दिक्कत आएगी, इस तरीके से दिक्कत आएगी। आप बिना लेयर समझे आप ऊपर नीचे ऐसे करके कर देंगे, या फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी कुछ भी इसमें चेंजेस करने की तो आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत यही आएगी कि आप जिसको ऊपर करना है उसको ऊपर नहीं कर पाएंगे, या जिसको चेंजेस करना है उसको चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जब आप एक वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करते हैं तो डिज़ाइनिंग करने के टाइम में आपको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये है कि जब आप एक होम पेज ही नॉर्मल डिज़ाइन करेंगे, उस होम पेज में कम से कम आपके 50, 100, 200, 100, 200 जितने भी आप कह सकते हैं लेयर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि 500 लेयर्स हो जाए आपके होम पेज में। अगर फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसे वेबसाइट का डिज़ाइनिंग कर रहे हैं आप, तो 500 लेयर्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। उस कंडीशन में अगर आपके एक एक लेयर के नेम नहीं लिखे होंगे और ग्रुप नहीं बनाए होंगे तो आपको दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर जैसे ये भी सर्च है, ये दिल्ली NCR एक सर्च हो गया, ये दूसरा है और ये तीसरा है, इन तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, तो इन तीनों को क्या करेंगे, अलग अलग नेम लिखेंगे और सबको सेलेक्ट करके एक ग्रुप में मर्ज कर देंगे और ग्रुप को एक नेम लिख देंगे कि ये सर्च बार है या सर्च आइकन है या सर्च कंटेंट है, कुछ भी आप लिख देंगे। अब उसके बाद इसके अंदर जितने भी ये स्लाइडर के ऊपर कंटेंट लिखे गए हैं, मैं लिखूंगा एक स्लाइडर और उसका कंटेंट, एक ग्रुप बन जाएगा और उसके अंदर सभी कंटेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है नेविगेशन की, जितने भी नेविगेशन बार्स हैं उसके जितने कंटेंट हैं उन सभी का अलग अलग नेम तो रहेगा ही, सबको ग्रुप बनाएंगे और उसके बाद हम लोग लिख देंगे नेविगेशन बार। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग करते हैं ये कि रिजोल्यूशन जब हम लोग लेते हैं, तो जब आप फोटोशॉप में डिज़ाइन कर रहे हो या कोई भी वर्क करते हैं, तो लो रिजोल्यूशन इमेजेस ना यूज़ करें, हाई रिजोल्यूशन इमेजेस को यूज़ करें। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप यहाँ से यूज़ करते हैं मैजिक वैन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल या कोई और टूल सिलेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, या एडजस्टमेंट लेयर वगैरह की ज़रूरत होती है, उस कंडीशन में अगर लो रिजोल्यूशन इमेजेस रहेंगे, क्योंकि फोटोशॉप फोटोशॉप पे जो वर्क आप कर रहे हैं इसमें आप पिक्सल बेस्ड वर्क कर रहे हैं। जैसे ये इमेज करेक्शन आपको करना है, ये रास्टराइज लेयर है,
ये भी एक रास्टराइज लेयर है, और इन दोनों में आप फर्क ये देख रहे हैं कि इसकी रिजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी है, इसलिए इसके फेस आसानी से दिख रहे हैं, इसके फेस आसानी से दिख रहे हैं, ये भी आप आसानी से एक एक एरिया को देख पा रहे हैं, लेकिन इस इमेज में आप देख रहे हैं तो इतनी धुंधली धुंधली सी नज़र आ रही है। क्यों ऐसी नज़र आ रही है? क्योंकि ये लो रिजोल्यूशन इमेज है और ये हाई रिजोल्यूशन इमेज है। आगे चल करके आप जब इसको यूज़ करेंगे तो समझ में आएगा कि आपकी जो क्वालिटी डिज़ाइनिंग की आ रही है वो क्वालिटी बहुत ही अलग किस्म की आ रही है, और सिलेक्शन करने में, एडजस्टमेंट करने में काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये गलती आप ना करें, यानी लो रिजोल्यूशन को यूज़ नहीं करें, हाई रिजोल्यूशन इमेज को यूज़ करें। अब बात आगे आती है ग्रेडियंट की। यहाँ पर ग्रेडियंट मैंने यूज़ किया है, ये ग्रेडियंट आप देख रहे हैं, ये ग्रेडियंट टूल से, यहाँ पे टूल बार में ग्रेडियंट टूल है ना, ये ग्रेडियंट टूल है, इस टूल से हमने ग्रेडियंट यूज़ किया है इसमें, ठीक है, इस वाले लेयर में हमने इससे ग्रेडियंट यूज़ कर लिया। जब आप ऐसे ग्रेडियंट यूज़ करते हैं, और एक ग्रेडियंट हमने यूज़ किया है एडजस्टमेंट से, ये ग्रेडियंट यूज़ किया है हमने, यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर है और यहाँ से ग्रेडियंट है, इस ग्रेडियंट को हमने यूज़ किया है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब आप इस टूल बार से एक बार ग्रेडियंट यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा अगर इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत हुई तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। यानी एक बार ये बन गई तो बन गई, दूसरी बार अगर इसको कुछ करेक्शन करना हो, इसका एंगल ठीक करना हो, या हो सकता है इसमें रिजोल्यूशन कुछ कम करना हो या कलर चेंज करना हो, तो आप नहीं कर पाएंगे इसमें। लेकिन ये अगर आप एडजस्टमेंट से ग्रेडियंट यूज़ कर रहे हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसमें किया हुआ है, ये मैंने इसमें किया, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको ये एडजस्टमेंट लेयर का ये दिख रहा है। अब इसमें अगर मैं चेंज करना चाहूँ, ये एक शेप है, इसमें मैंने ग्रेडियंट यूज़ किया है, और इसके ऊपर जब आप एडजस्टमेंट लेयर से आते हैं तो ऑटोमेटिक एक लेयर बन जाता है और वो इसके अंदर मास्किंग होता है। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, क्लिक करेंगे इस पर, डबल क्लिक करिए, एक बार क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे इस वाले थंबनेल पे, ध्यान रहे ये वाइट वाले थंबनेल पे नहीं बल्कि इस वाले थंबनेल पे जिसमें कलर दिख रहा है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैं अगर एंगल चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके एंगल चेंज कर रहा हूँ, देखिए एंगल चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप जिस एंगल में यूज़ करना चाहते हैं उस एंगल में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है, यहाँ से स्केलिंग कर सकते हैं, स्केलिंग आप बढ़ा भी सकते हैं, स्केलिंग आप कम भी कर सकते हैं। तो जितनी स्केलिंग करने की ज़रूरत हुई उतनी स्केलिंग यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हुई स्केलिंग की बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ से स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, यानी लीनियर आपने यूज़ किया, अब अगर रेडियल की ज़रूरत पड़ रही है आप रेडियल यूज़ कर लीजिए। अगर इसके बाद भी अगर कुछ और चेंजेस करने की ज़रूरत हुई, यानी इसमें कलर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डबल क्लिक करके जिस कलर में आप जाना चाहते हैं उस कलर में जा सकते हैं। यहाँ से डबल क्लिक किया और इस बार मैं वाइट यूज़ कर ले रहा हूँ और ओके, यहाँ पे ओके किया, अब ओके किया। अब आप देख रहे हैं जो ग्रेडियंट आपने इसमें यूज़ किया था इस वाले लेयर पे, इसमें करेक्शन करने का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अगर आपने एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करके और उसके बाद ग्रेडियंट यूज़ किया तो यहाँ से आपको एडजस्ट करने का मौका मिल गया। तो ये आप कॉमन मिस्टेक करते हैं, इसको ना करें, कोशिश करें कि एडजस्टमेंट लेयर से ग्रेडियंट फिल करें। फ्रेंड्स, ये जो टूल बार में ये जो दिया हुआ है, आप क्वेश्चन करेंगे कि ये फिर क्यों दिया है फोटोशॉप ने? फोटोशॉप ने ये दिया है आपके बिगिनर लेवल पे सीखने के लिए। बहुत कंडीशन में जब रास्टराइज लेयर पे काम करते हैं तो एक न्यू लेयर लेते हैं और उस पर ग्रेडियंट यूज़ करते हैं फिर मास्किंग करने के लिए, तो नॉर्मल वर्क होता है तो आप ऐसा यूज़ करें, लेकिन जब आप एक वेबसाइट पे वर्क कर रहे होते हैं, एक यूआई डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में आप एडजस्टमेंट की एक एक चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात आती है आगे और कौन सा कॉमन मिस्टेक करते हैं आप। कॉमन मिस्टेक करते हैं एक कलर करेक्शन में, जैसे ये एक है, इसमें अगर कुछ कलर करेक्शन करना हो आपको तो इसके अंदर मैं जाता हूँ, इसमें दो इमेज हैं मेरे पास, दो इमेज हैं, ठीक है। पहले इमेज को मैं दिखा रहा हूँ, नीचे वाले पे आते हैं, इसका एडजस्टमेंट अगर आप करते हैं तो डायरेक्टली क्या करते हैं, इमेज पे जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो कलर, इमेज साइज, एवरीथिंग, यहाँ से कुछ भी करना हो वो कर लेते हैं आप। दूसरी बड़ी बात है, अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पे जाते हैं आप, और उसके बाद कुछ भी यहाँ से एडिट करना हो तो आप एडिट कर लेते हैं। इसमें लेवल हो, ह्यू सेचुरेशन या कलर करेक्शन कुछ भी करना हो तो आप कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस एल से लेवल, कंट्रोल एल प्रेस किया कीबोर्ड से, लेवल आ गया आपका। अब इस लेवल को ठीक करने के लिए जब आप इस पर लेवल कर, यहाँ ध्यान रखें आप, इस लेयर को मैं सिलेक्ट रखा हूँ और यहाँ से लेवल ठीक कर रहे हैं, अगर आप इसको लेवल को थोड़ा सा
डार्क करना चाहते हैं। इस तरीके से हमने डार्क कर दिया, इस इमेज को हमने डार्क कर दिया थोड़ा सा। आप देख रहे हैं ये पहले इमेज ऐसी थी, इसको मैंने यहाँ से खींच करके ऐसे थोड़ा सा डार्क कर दिया बैकग्राउंड को, ठीक है, और ओके कर दिया। अब देखिए जैसे इसको मैंने करेक्शन किया, इस लेयर पे कोई भी दूसरा लेयर नहीं बना और इसी लेयर पे करेक्शन हो गया, यानी जो आपकी तस्वीर थी उसी पे ये एडजस्ट हो गया। तो अब अगर चेंजेस फिर से आप जैसे था आप अंडू करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, लेकिन अगर सेव कर दिया एक बार तो दोबारा आप अंडू करेंगे तो फिर कोई भी चांस नहीं है कि आप ठीक कर सकते हैं। यानी अपनी ओरिजिनल तस्वीर को भी आप अगर गलती से भी ख़राब हो गए और उसको सेव कर दिया तो दोबारा आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो ये गलती होती है कि अगर आप डायरेक्टली कंट्रोल एल या कंट्रोल यू, सपोज यहाँ से कंट्रोल यू से ह्यू एंड सेचुरेशन वगैरह ठीक करना हो तो आप कर लेते हैं, तो आप ये गलती ना करें। गलती इसलिए नहीं करें कि यहाँ पे करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए ऊपर वाले इमेज पे आते हैं और यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर आपको लेवल ठीक करना है, कर्व ठीक करना है, एक्सपोजर कुछ करना है, ह्यू एंड सेचुरेशन, कलर बैलेंस, ब्लैक एंड वाइट, फोटो फिल्टर, एवरीथिंग यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे लेवल पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए एक अलग लेयर इसके ऊपर ओपन हो गया है और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मिल गई। इस प्रॉपर्टीज़ में हम लोग आसानी से इसको डार्क करना है तो डार्क कर लेंगे, यहाँ से डार्क कर लिया और इसको कट कर दिया। अब देखिए ये अलग लेयर है, इसको अगर मैं बंद करूँगा ओरिजिनल ये तस्वीर थी ये मिल गई, अगर इसको मैं ओपन करूँगा ये मिल गई। अब इसको इस लेयर पे रहते हुए कोई सेटिंग करना चाहते हैं नॉर्मल से, अगर आप ओवरले करना चाहते हैं आप ओवरले कर ले, नॉर्मल से रहते हुए अगर आप डिसॉल्व करना चाहते हैं डिसॉल्व कर ले, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये डिपेंड करता है। तो इस लेयर का फ़ायदा ये होगा कि ये आप बाद में अगर डिलीट भी करना चाहते हैं आप डिलीट करिए, ओरिजिनल जो आपकी तस्वीर थी जैसे थी वैसी हो जाएगी। तो फ़ायदा ये होता है कि जब आप कलर करेक्शन करें तो एडजस्टमेंट लेयर पे आएं और यहाँ से लेवल, कर्व, एक्सपोजर वगैरह को ठीक करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये 5 कॉमन मिस्टेक्स थे जो आप लोग करते हैं, इन 5 कॉमन मिस्टेक को अब दोबारा आप ना करें, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप डिज़ाइन करें तो इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखें। आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इस तरह की चीज़ों को मैं बताता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लग रहे हैं, सीखने को मौका मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक। अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन जगह पे मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।